Hello everyone, welcome back to another video lecture of the NCERT series of class 10th. Today we are going to study another poem by Robert Frost, which is Fire and Ice. We have already studied one poem, which was Dust of Snow. And as we know, Robert Frost, humne class 9th mein bhi ek poem padhi hai, right? So just like that, Robert Frost, he has a very simple way of explaining thing. Wo bahut ईजिली चीज़ों को समझा देते हैं. वट एवर ही वॉन्ट्स टू से, वट एवर ही वॉन्ट्स टू कन्वे, द वर्ड्स दैट ही चूजेज, द आइडियाज, द थीम्स दैट ही चूजेज, बहुत सिंपल होती हैं और ईजिली, बहुत ईजिली वो कन्वे कर देते हैं उनको. एंड जस्ट लाइक दैट, फायर एंड आइस में भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या कहना चाहते हैं, ही वॉन्ट्स टू से दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड वन डे. ही हैज़ दिस आइडिया दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड वन डे, राइट? एंड ही सेज दैट देर आर टू वेज. One is fire and the other one is ice. Now, fire and ice, हम इसे literally ना लेके, fire यहाँ पे represent कर रही है desire को and ice is representing hatred, right? So, इसे हम दो तरीके से समझेंगे. He says that the world is going to end one day, maybe by fire. या तो ऐसा होगा कि world जो है, earth जो है, वो इतना ज़्यादा heat up हो जाएगा कि उसकी जो इंटेंसिटी है, जो हीट की जो इंटेंसिटी है, वो अर्थ झेल नहीं पाएगी एंड इट्स गोइंग टू एंड. और मे बी इट्स गोइंग टू गेट कूलर एंड कूलर, इट्स गोइंग टू गेट कोल्ड, इट्स गोइंग टू गेट सो कोल्ड कि लाइफ पे अर्थ ही नहीं बचेगी, अर्थ पे लाइफ नहीं बचेगी. ओके, सो एक तरीके से तो फायर एंड आइस को उन्होंने ऐसे यूज किया है. देन इफ यू लुक एट इट इन अदर वे, लाइक इफ वी think that ice is desire here and fire is desire here and ice is hatred. So he says that people have so much desire, like they have this constant need of wanting everything that other people have. Like, you know, there's one person and he sees that kisi aur ne kuch naya cheez kharida hai, right? So even if he cannot afford it, he's going to find a way to get that thing in his life. ठीक है, सो पीपल हैव दिस डिजायर और वो डिजायर ग्रीड में कन्वर्ट होती जाती है और उन्हें पता नहीं चलता दैट इट्स गोइंग टू बिकम द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी वन डे. जस्ट लाइक दैट, आइस हियर इज रिप्रेजेंटिंग हेट्रेड. ठीक है, पीपल सो इजीली यूज द वर्ड हेट दीज डेज, राइट? बिकॉज आई हेट दिस, आई हेट दैट, आई हेट यू, आई हेट दिस, पीपल से दैट वेरी इजीली, राइट? वेरी कैजुअली दे यूज दिस वर्ड हेट. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द पोएट, ही सेज दैट देयर इज गोइंग टू बी सो मच हेट्रेड इन द वर्ल्ड कि इट्स गोइंग टू बी द एंड ऑफ ह्यूमैनिटी वन डे. एंड इफ देयर आर नो ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ, देन अर्थ का तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड. ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द पोएम लाइन बाय लाइन. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि वर्ल्ड फायर से एंड होगा और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से एंड होगा, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट थॉट प्रोसेस, राइट? दे हैव डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स और ऐसे ही लोग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए. कुछ लोग कहते हैं कि आइस से एंड होगा और कुछ लोग कहते हैं कि फायर से एंड होगा. फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. एंड ही सेज दैट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है या जितना मैंने लोगों को देखा है, यू नो, तो he's speaking from his experience that he says that yeah, I have seen enough desire in this world that he thinks that it's going to end by fire. He favors fire. But if it had to perish twice, but if the world had to perish twice, if it had to die twice or get destroyed twice, then I think I know enough of hate. कि जितना मैंने डिजायर देखा है लोगों में, उतनी ही मैंने हेट्रेड भी देखी है. ठीक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि अगर आइस से भी डिस्ट्रक्शन होगा तो उसकी भी इंटेंसिटी उतनी ही होगी, वो भी उतनी ही लेवल पे, उतने ही बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन करेगा जितना कि फायर करेगा. इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस एंड इट वुड बी इनफ. ये जितनी हेट्रेड इनफ है, जितनी फायर इनफ है, जितनी डिजायर लोगों की इनफ है, उतनी ही हेट्रेड भी इनफ है, उतनी ही आइस भी इनफ है टू एंड द वर्ल्ड. सो दैट वाज द पोएम एवरीवन, शॉर्ट एंड स्वीट. नाउ
two important things in a poem, the rhyme scheme and the poetic devices. So let's look at the rhyme scheme and the poetic devices. Okay, so let's see. Let's look at the rhyme scheme. A, B, B, C, B, C, B. ठीक है, कैसे हुआ? Fire को हमने A बोला, ठीक है? Then we have ice. तो fire and ice, they are not rhyming, right? So हम लोग ice को B देंगे. Then fire, desire. ये तो rhyme कर रहे हैं. तो हम डिजायर को भी ये देंगे फायर डिजायर देन अगेन फायर ठीक है आइस ट्वाइस राइमिंग ओके सो ट्वाइस बी देन वी हैव हेट हेट इज कंप्लीटली डिफरेंट ओके सो वी विल गिव इट सी देन अगेन आइस वी हैव आइस ट्वाइस आइस ठीक है तो अभी ये सब राइम कर रहे हैं तो आइस के साथ क्या था बी सो वी विल गिव इट बी देन ग्रेट ठीक है हेट ग्रेट सी suffice, I suffice B. तो हो गया A B A A A B A A B C B C B B C B C B. That's your rhyme scheme of the poem. ठीक है? Now let's look at the poetic devices. So if you want to learn the poetic devices in detail, we have another video. ठीक है? जहाँ पे आपको सारे poetic devices detail में बताए गए हैं. I'm just going to tell you कि ये poetic devices poem में कहाँ use हुए हैं. Okay? Detail में पढ़ना है, so you can watch that video. All right. So let's say assonance. Assonance कहाँ use हुआ है? Assonance देखो, hold those. As you can see, hold those. Hold do. O sound आ रहा है दोनों में. They have the same sound यहाँ पे दोनों का sound same है. So that's your assonance here because repetition of vowel sounds. Now that sound can be anywhere at the beginning of the letter or maybe in the middle or the end. Yeah. So do, hold those. Same sound, assonance. Then we have alliteration. Now what is alliteration? Some say. Sir, sir, sir sound. Initial sounds. If nearby sounds, nearby words, they have the same consonant sound. Okay? Initial agar sound, consonant sound hoga or same hoga, then that's your alliteration. Okay? The next one is imaginary. Now what is imaginary? So imaginary is when you read a text, when you read a poem, then you have this image created in your brain. Like you can imagine that there is a picture in your brain. As soon as you read that text, as soon as you read the poem, aap apne brain mein ek picture create kar sakte ho uski. So when we read the poem, there is a picture like ice and fire and hatred and people fighting with each other, their greed people have. So we can imagine all that, right? So that's your imaginary. Okay, then we have anaphora. Now what is anaphora? When two or more consecutive lines, they start with the same word. Some, right? Some, two consecutive lines starting with the same word, that's your anaphora. Okay, next we have is enjambment. What is enjambment? Continuation of one line to next line without any punctuation mark. Some say the world will end in fire, some say in ice. ठीक है, यहाँ पे तो full stop लग गया, but यहाँ पे there is no punctuation mark as you can see. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. No punctuation mark, but ऐसा लग रहा है ना कि एक same, एक continue हो रही है, line ही है पूरी, ना एक ही sentence है, ठीक है? But another line में start हो रही है, उसमें continue हो रही है, that's your enjambment, okay? So we also have enjambment here. Then we have symbolism. Now यहाँ पे जो फायर है वो तो सिंबलाइज कर रहा है डिजायर को, ठीक है? और आइस सिंबलाइज कर रही है हेट्रेड को, ठीक है? तो दैट्स योर सिंबोलिज्म, सिंबलाइज कर रही है चीजों को. देन वी हैव मेटाफर. पोम में दे आर कंपेयरिंग भी हो रही, कंपैरिजन भी हो रहा है, ठीक है? सो दैट्स योर मेटाफर. ओके, सो दीज आर योर पोएटिक डिवाइसेस, है ना? एंड ये आपका राइम स्कीम हो गया, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन आंसर, द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. नाउ द क्वेश्चन नंबर वन इज, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड. डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? हाउ यू हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट दैट इट बर्स्ट और ग्रोज कोल्डर एंड कोल्डर? ओके, सो या ऑफ कोर्स people have different ideas of how the world is going to end one day, and at some point
वी ऑल मस्ट हैव थॉट अबाउट दिस कि हाँ द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, हम ऐसा नहीं होगा कि वर्ल्ड ऐसा ही रहेगा, ठीक है. एज वी कैन सी देयर सो मच डिस्ट्रक्शन, अर्थक्वेक्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स होती हैं, फ्लड्स हैं, सुनामीज, लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें देख के कभी ना कभी वी थिंक अबाउट दिस दैट या वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड वन डे, राइट. सो ऑफकोर्स देयर आर आइडियाज दैट द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंड, बिकॉज एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड, या तो ख़त्म हो जाएगी या वो टूट जाएगी. लाइक पीपल, ह्यूमन बींग्स, वेन वी टेक बर्थ इट इज़ डिसाइडेड दैट या दिस ह्यूमन बींग दैट हैज़ टेकन बर्थ इज गोइंग टू डाई. जस्ट लाइक दैट कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो एक ना एक दिन या तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है, या एग्जिस्ट करना बंद कर देगी. ओके, सो वॉट विल हैपन इफ द सन गेट्स सो हॉट, या ऑफकोर्स इफ द सन गेट्स हॉट, हॉटर एंड हॉटर, तो उसकी जो हीट है एक पॉइंट के बाद अर्थ उसको झेल नहीं पाएगी, एंड इट्स गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड, इट्स गोइंग टू गेट बर्न. एंड इफ इट गोज कोल्डर एंड कोल्डर, तो जो लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है वो ग्रो नहीं कर पाएगी, बिकॉज वी नीड हीट, वी नीड सनलाइट टू यू नो टू लिव, टू सर्वाइव. एंड इफ देयर इज नो सन, देयर इज नो हीट, देन हाउ इज लाइफ गोइंग टू सर्वाइव? ओके, हाउ आर गोइंग टू पीपल आर गोइंग टू सर्वाइव? देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉस्ट, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? हियर हियर आर सम आइडियाज. ओके, सो ऑल दीज वर्ड्स हमें क्या करना है, इनमें से जो वर्ड्स हमें लगता है कि फायर को सिंबलाइज कर रहे हैं, जिन्हें जिनको पढ़ के हमें फायर लगता है कि फायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फायर के सिनोनिम्स हो सकते हैं, ठीक है, पोम के लिए, और आइस की जो आइस को सिंबलाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो आइस के लिए स्टैंड कर सकते हैं, तो हमें उनको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों में अलग अलग करना है. ओके, सो फायर स्टैंड्स फॉर ग्रीड, के फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीड, देन एवरेस्ट, देन लास्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी. ये तो वी व्हेन वी रीड देम तो हाँ हम इनको फायर वाली कैटेगरी में डाल सकते हैं. देन वी हैव आइस, आइस स्टैंड्स फॉर क्रूएल्टी ऑफकोर्स. देन वी हैव इंटॉलरेंस, रिजिडिटी, insensitivity, coldness, indifference and hatred. Okay, all these they will go into the category of ice. Okay, the last question is what is the rhyme scheme of the poem? We have already talked about this rhyme scheme, and we bahut acche se baat kar liye uske bare mein. What is the next part? How does it help in bringing out the contrasting idea in the poem? Okay, so contrasting idea kya hai poem mein? That the poet has different ideas, okay, how the world is going to end. Dono cheezein different hai na. So the rhyme scheme jaise usko use kiya gaya hai, the way it has been used, it is helping the poet in explaining his idea of how desire can be the end of the world, or maybe hatred can be the end of the world. Okay, so while he talks about how fire represent desire, fire kisko represent kar raha hai, desire ko, and can therefore be cause of the end of the world, theek hai, वैसे ही end of the world, cause of the end of the world ho sakta hai. He also mentions ice in between to symbolize, ice ko bhi then again in the middle, wo kahan pe ice ko bhi symbolize kar leta hai, theek hai, desire ko to kar hi raha hai, then फिर ही कम्स बैक टू हेटरेड, आइस के साथ उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है. सिम्बलाइज दैट द कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस, कोल्डनेस एंड इनडिफरेंस, अभी हमने कुछ वर्ड्स को अलग अलग किया था ना, टुवर्ड्स वन अनदर विल आल्सो बी इनफ टू एंड द वर्ल्ड, ठीक है. सो ऑल दिस दीज आइडियाज दैट ही हैज, द राइम स्कीम इज हेल्पिंग हिम अलॉट. Okay, the way he has used the words, जैसे अलग अलग करके उसने words को use किया है rhyme scheme में, ठीक है, वैसे it's helping him a lot in explaining his ideas. All right, so this was the poem, everyone. I hope you understood it. And if you want to, again I am telling you, if you want to understand the poetic devices better, there is another video, you can watch it and it will help you a lot. Okay, so I'll see you with another poem and another lecture. Okay. Thank you.